नमस्कार दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी और खुशियों भरी रही। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया, बहुत लोग घर में नए नए वस्तुएं लेकर आए। उसके लिए बहुत लोगों ने लोन भी लिया, पर उस लोन से उनका फायदा कम, एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा गया। पर अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा लोन है जो बिना कुछ जमा किए तुरंत मिलता है और बहुत फायदा भी करवाता है, क्यों? विश्वास नहीं हो रहा ना? पर हाँ, ये सच है। क्रिप्टो में आप फ्लैश लोन बिना कुछ जमा किए बहुत कम वक्त के लिए लेकर ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हो, और वो कैसे होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्लैश लोन बिल्कुल उसके नाम जैसा है, यानी आप किसी एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से कुछ ही सेकंड्स के लिए करोड़ों रुपए लोन स्वरूप उधार ले सकते हैं, वो भी बिना कुछ जमा किए और कम इंटरेस्ट में, और कुछ समय के लिए यानी 13 सेकंड्स के लिए। तो हम ये लोन लेकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस करते हैं और बीच में मुनाफा कमाते हैं। तो ये होता कैसे है और इसके फायदे क्या है, हम देखते हैं। आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ये मतलब किसी से आपने एक एप्पल 10 रुपए का लिया और वही तुरंत दूसरे को 12 रुपए का बेचा और बीच में 2 रुपए का मुनाफा कमाया, ऐसा हुआ। यानी आपने कॉइनबेस से $100 का बैट टोकन्स लिया और तुरंत उसे जेमिनी पर $101 का बेचकर $1 का मुनाफा कमाया। ऐसे ही आप फ्लैश लोन में करोड़ों रुपए ले सकते हैं जो आपके होते भी नहीं है। मतलब अगर आपने फ्लैश लोन लेकर कॉइनबेस से 10 करोड़ के बैट टोकन्स लिए और तुरंत उन्हें जेमिनी पर 11 करोड़ का बेचा, तो कुछ ही समय में आपने 1 करोड़ का मुनाफा कमाया। अब जो फ्लैश लोन लिया था वो तुरंत 11 करोड़ से इंटरेस्ट राशि लगाकर आपने वापस कर दिया और 1 करोड़ का मुनाफा कमाया। और आवे जैसा प्लेटफॉर्म आपसे 0.09% का इंटरेस्ट लेता है, यानी 10 करोड़ के लिए 9000 रुपए के आसपास हुआ। मतलब 9000 रुपए फीस देकर आपने 10 करोड़ रुपए लिए, जो बहुत कम है। और ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, यानी गलती की गुंजाइश ही नहीं। और इसी तरह इसका इस्तेमाल करके आप कोलैटरल स्वैप और सेल्फ लिक्विडेशन भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। क्यों, हुआ ना लोन लेकर फायदा? तो आज ही फ्लैश लोन लेकर ट्रांजैक्शंस करो और भरपूर मुनाफा कमाओ, क्योंकि सही इन्वेस्ट करते जाओ भरपूर इंटरेस्ट कमाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।